हेलो जी। तो ये है आज करवा चौथ की थाली, सिंगार का सारा सामान जो मैं आज यूज़ करूँगी तैयार होने के लिए। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज है करवा चौथ और आज का व्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ। तो सभी मेरी माता बहनों को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और अच्छे से अपना त्यौहार मनाएं। और आज क्या क्या तो मैंने दोपहर की जो करवा माता की कथा होती है वो सुन ली है, जो बेटी ने सुनाई है मुझे। उसके बाद मैं बना रही हूँ चाय और मुझे पीनी है चाय। हमारे यहाँ चाय पी लेते हैं कथा कह के। और नीचे आप देख सकते हो पार्क में भी सभी औरतें इकट्ठी हो गई हैं पूजा करने के लिए, और मंदिर में भी। और सबके यहाँ थोड़े अलग अलग रिवाज है, हमारे यहाँ बहुत सिंपल तरीके से करवा चौथ मनाते हैं। अब इस और ड्रिल मशीन की इतनी आवाज़ आती है ना, बहुत। 5:30 और मैं बना रही हूँ खाना जो मुझे बनाना है करवा चौथ के लिए। और उसके लिए मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्जी, पूरी, रायता और हलवा सूजी का। तो यहाँ पानी शरबत जो है ना चीनी का, वो पका लिया है हलवे के लिए। और सब्जी भी कट गई है, गोभी आनी बाकी है। गोभी गई है बेटी देने के लिए, वो लेके आएगी और काटेगी। इतने में हलवा बना लेती हूँ। हाँ वो दो है ना सब्जी वाले, एक पुरले वाला एक पुरले वाला, ठीक। तो ये मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा, उसके बाद बनाऊंगी आलू गोभी की सब्जी, फिर पूरी। बन गया हमारा हलवा। हम डालेंगे इसमें किशमिश और गोला भी देखती हूँ डालूंगी। डाल दूँ गोला? नहीं, और ये दोनों बाप बेटी ना गोला बहुत कम खाते हैं, इसलिए मुझे हलवे में नहीं डालने दिया। हालांकि मुझे गोला बहुत पसंद है। और खाना मेरा बन गया है। तो मैंने यहाँ करवा माता की पूजा करी है रात की, और खाना भी मैंने पूज के निकाल दिया है पिताजी का। और उसके बाद जो बची हुई पूरियाँ थी वो मैंने सारी उतार ली हैं, रसोई साफ़ कर ली है, बर्तन साफ़ कर लिए हैं। अब मैं देखूंगी चांद कितनी देर में निकलेगा, और 8 बज गए हैं। और तैयारी करती हूँ अपनी पूजा की थाली की, और थोड़ा सा मैं भी तैयार होती हूँ और देखती हूँ चांद निकला है या नहीं। थाली तैयार कर ली है, बस अब चांद निकलने का इंतज़ार है। आज चांद निकलने का इंतज़ार है, इधर ही निकलेगा सामने बिल्डिंग। और ये सब पूजा की थाली लेके मैं और सब औरतें धीरे धीरे पार्क में इकट्ठी हो रही हैं पूजा करने के लिए। अच्छे है ना पूरा। गाइस मैं तैयार हूँ पूजा करने के लिए, और चांद का इंतजार है और पूजा का सामान भी मेरा तैयार है सारा। बस अब चांद का इंतजार है, कब चांद निकले, कब हमारा व्रत खुले और कब मैं पानी पीऊँ। सुबह से ना मेरा पानी से ना गला ऐसा हो रहा है, सूखा सूखा सा, इसलिए आज मैंने बहुत कम बात की है, व्लॉग भी बहुत कम बनाया है। हम यहाँ चांद का इंतजार पूजा करते हुए। पूजा यही करूँगी इधर। और कई बार आके मैं बालकनी में आके खड़ी हो जाती हूँ बार बार कि देखो चांद निकला है या नहीं। तो इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो गई है, चांद निकल आया है और अब मैं करूँगी पूजा। और हमारे यहाँ पूजा शुरू करते हैं चांद को अर्घ दे के, और सतिया बनाते हैं हल्दी से। सबके यहाँ देखो थोड़ा अलग अलग रिवाज है। और चांद मामा भी नज़र आ गए हैं, और मुझे भूख तो नहीं लग रही लेकिन प्यास इतनी लग रही है ना बहुत ज़्यादा। तो यहाँ मैं सतिया बना रही हूँ,
आप लोग भी ज़रूर बताना आपके यहाँ कैसे होती है पूजा। और जब चांद निकला है तो बहुत सारे पटाखे छोड़े हैं सभी ने, और बच्चों की किलकारियाँ भी आपको सुनाई दे रही होंगी। और हवा इतनी तेज़ चल रही थी ना कि दिया जलाना बड़ा मुश्किल हो गया था, तो मैं अंदर जाके दिया जला के लाई थी पहले। और जब दोपहर में कथा सुनी थी तो पल्ले में चावल बांधे थे तो वही मुझे छोड़ने हैं, और उसके बाद मैं पीऊँगी पानी। और पानी देख के ना इतनी ज़्यादा प्यास लग रही है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ मैं प्रार्थना कर रही थी। आप पिलाओ। और पूजा करने के बाद हमने खाया खाना, और फिर हम आए नीचे घूम के, और उसके बाद मैंने आके पिया बहुत सारा पानी क्योंकि प्यास बहुत ज़्यादा लग रही थी। और ये वीडियो बना रही थी बेटी, तो मैं थोड़ा वीडियो शूट करवा रही थी। अगर आप सबको व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करिए सब।